दोस्तों ये वही उत्तम नगर है एनआईटी फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र का, देख सकते हैं जहां नरक बना हुआ था और धर्मवीर भड़ाना ने कुछ अधिकारियों नेताओं पर FIR दर्ज करवाने की बात की थी। अब से यहां नगर निगम की JCB पहुंच गई, देख सकते हैं सफाई जारी है। अभी भड़ाना साहब से बात करते हैं क्या कहते हैं इस मामले पर। दोस्तों अभी हमने बताया कि उत्तम नगर में सड़क का काम शुरू हो गया है, आज मशीनें पहुँच गई हैं, अभी आपने ऊपर वीडियो देखा होगा। और अब आपके सामने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य धर्मवीर भड़ाना जी, प्रवक्ता नरेश शर्मा जी, वार्ड नंबर 9 के भावी पार्षद उम्मीदवार महेश चंद हरताना जी मौजूद हैं। भड़ाना साहब आज वहाँ काम शुरू हो गया है, क्या कहेंगे जहाँ परसों गए थे? जी ठाकुर साहब, हम परसों जहाँ गए थे देखने के लिए उत्तम नगर में NIT86 के वार्ड नंबर 9 में हमारे साथी नरेश शर्मा जी गए थे, प्रवक्ता हरियाणा के, हमारे भावी पार्षद भाई मेहरचंद हरसाणा जी जो वहाँ से तैयारी कर रहे हैं वार्ड की, नगर निगम चुनाव की, हमारे तेजव सिंह बिट्टू थे, राजा भैया था, सुभाष बघेल था, हमारे आम आदमी पार्टी की टीम थी। और हम ये कहना चाहते हैं शाह प्रशासन से कि इस तरह के बारिश से पहले वो जो रास्ता इतना ख़राब था, अगर प्रशासन पहले ही जाग जाता, हमारे स्थानीय विधायक वर्तमान विधायक पहले ही कुछ कर देते तो उस महिला की विजेंद्र डागर की जो धर्मपत्नी की मृत्यु हुई है एम्बुलेंस ना पहुंचने से और वहां से करीब 2 किलोमीटर दूर तक महिला को कैसे लाते। मैंने ये भी सोचा हमने कि भाई अगर वहां एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो उसको गोदी में लाते, मगर 2 किलोमीटर की दूरी थी, इतना रास्ता खराब था। अगर प्रशासन से हमें अपील करते हैं अगर पहले ही संज्ञान में लें तो इस तरह की मौतें NCR में, वो भी स्मार्ट सिटी के अंदर, उस तरह की मौतें होने बंद हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ काफ़ी कीचड़ था, हो सकता है इस कारण ना गए हो जो पर। लेकिन डागर साहब एक साल से लगभग, एक साल क्या, 4-5 साल से दौड़ रहे थे डागर साहब पिछले 2 साल से। सबसे पहले वर्तमान विधायक नीरज शर्मा जी के पास गए थे, हमारे पूर्व विधायक ने तो वो सड़क तोड़ी दी थी, जो उन लोगों ने बताया कि पहले शिवचंद शर्मा जी ने वो बनवाई थी, फिर पूर्व विधायक बने नगेंद्र भड़ाना जी, उन्होंने सारी सड़क को खुलवा दिया था। अब वर्तमान विधायक ने भी सड़क को नहीं बनवाया, यहाँ तक कि वर्तमान विधायक वहाँ एक बार भी गया ही नहीं था। तो प्रशासन की लापरवाही है और सरकार के नुमाइंदों की लापरवाही है। हमारी आम आदमी पार्टी की टीम ने पहुँच करके उन लोगों का जब दुख दर्द समझा, हम लोग गए, हमने प्रशासन को जगाया। हाँ, आपने चेतावनी भी दी थी कि FIR दर्ज करवाएंगे, चेतावनी दी कि इसकी तेरहवीं के बाद अगर हम अब भी कह रहे हैं अगर वो रोड नहीं बना, वो सीवर का पानी जो घरों में आया उसके बंदोबस्त नहीं किया, तो हम 13वें के बाद एक बहुत बड़ा नगर निगम का प्रोटेस्ट करेंगे। और मैं आप लोगों को संज्ञान में लाना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की टीम इस फरीदाबाद में और खासकर NIT86 विधानसभा में, चाहे कोई भी गांव है, कॉलोनी है, गली है, शहर है, कहीं भी कोई दिक्कत है, हमारी आम आदमी पार्टी जो टीम है उनको संबोधित बताए, उनके संज्ञान में लाए, हम सभी लोग जाकर के उनके दुख दर्द को बांटेंगे, उसकी आवाज़ को उठाएंगे और जन जन तक उस आवाज़ को पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।